माननीय अध्यक्ष जी, देश की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी है। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अमृतकाल की प्रथम प्रभा का प्रकाश राष्ट्र में एक नया विश्वास, नया आत्मविश्वास, नया उमंग, नए सपने, नए संकल्प और राष्ट्र का नया सामर्थ्य उसे भर रहा है। चारों तरफ आज भारतवासियों की उपलब्धि की चर्चा हो रही है और गौरव के साथ हो रही है। ये हमारे 75 साल के संसदीय इतिहास का एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है, जिसके कारण विश्व में आज वो गूंज सुनाई दे रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, चंद्रयान 3 की सफलता न सिर्फ पूरा भारत, पूरा देश अभिभूत है और इसमें भारत के सामर्थ्य का एक नया रूप
जो आधुनिकता से जुड़ा है, जो विज्ञान से जुड़ा है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, जो हमारे वैज्ञानिकों के सामर्थ्य से जुड़ा है, जो 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प की शक्ति से जुड़ा हुआ है, वो देश और दुनिया पर एक नया प्रभाव पैदा करने वाला है। ये सदन और इस सदन के माध्यम से मैं फिर एक बार देश के वैज्ञानिकों और उनके साथियों को कोटि कोटि बधाइयां देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं।